नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑटो गेजेस प्राइम में। आशा करता हूँ आपको हमारे कल के वीडियो और गेम प्ले साथ ही साथ आने वाले वीडियो भी पसंद आएंगे। अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन भी दबाना ना भूलिएगा। जैसा आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज लेके आते हैं डेली डोज, और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा न्यूज हम आपको पहुंचा सके। तो आज भी आपके लिए ऐसी कुछ डेली डोज लेके आए, आशा करेंगे आपको ये पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में, और आशा करता हूँ आपको कल का डेली डोज साथ ही साथ गेम प्ले अच्छा लगा होगा। यहाँ पर अगर आप दोनों देखना भूल गए हैं तो नीचे जाइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, देखिए और बताइए कैसा लगा। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो यार ये गूगल फॉर डूडल कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे हमने बताया था इंडिया में एक कॉन्टेस्ट रखा गया था और इसके नेशनल विनर का नाम घोषित हो चुका है। ये है राहुल मोरे, मुंबई के रहने वाले हैं और इन्होंने बनाया था गैलेक्सी स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो गजब की इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है और बहुत प्यारा ये डूडल बनाया है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको भी ये डूडल पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 वेरिएंट्स हैं। यहाँ पर आप जानते हैं इसके अंदर चार कैमरा आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इंडिया की डेट कंफर्म हो चुकी है, ये आपको देखने को मिलेगा 20 नवंबर 2018 को, और यहाँ पर 12 नून को ये रिवील होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या होता है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि फीचर तो हम जानते हैं परंतु यहाँ प्राइसिंग सबसे मायने रखेगी और उसी पर निर्भर रहता है कि क्या इसे परचेस करना वर्थ रखता है कि नहीं। तो वेट करते हैं आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये नोकिया 5, 6 और 8 से, यहाँ पर अगर आप इनमें से कोई सा भी डिवाइस यूज करते हैं तो अब यहाँ नवंबर का सिक्योरिटी अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर बात करें साइज की, तो यहाँ बोला जा रहा है कि नोकिया 5 में आपको ये अपडेट मिल रहा है 103.3 MB का, वहीं 6 में 109.9 MB का, और नोकिया 8 में बहुत कम 61.8 MB का ये आपको अपडेट देखने को मिल रहा है। तो जाइए सेटिंग में, अपडेट कीजिए और बताइए क्या इससे कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल कैमरा से, और यहाँ पे आ चुका है नया अपडेट जिसके तहत आपको मिल चुका है मोस्ट अवेटेड फीचर जो है नाइट साइड मोड। और यहाँ पर नाइट साइड मोड अगर आप नहीं जानते तो ये लो लाइट फोटोग्राफी को और बेहतर कर देता है और ओवरऑल आपका एंजॉयमेंट अच्छा हो जाता है। तो बात करें यहाँ अपडेट की, तो यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं गूगल का पिक्सल 3, 3 XL और अदर पिक्सल फोन, तो यहाँ ये आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो जाइए अपडेट कीजिए और बताइए क्या आपको ये नाइट साइड मोड पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है लावा की तरफ से, और इन्होंने अनवील कर दिया है प्राइम जेड। ये एक क्वालिटी फोन है। यहाँ पे बात करें इसके सबसे पहले फ्यूचर की, तो ये आता है 2.4 इंच की QVGA डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने मिल जाती है, ब्लैक कलर में आपको देखने मिल जाता है, सिंगल कलर मिल रहा है। यहाँ पे आपको T9 कीपैड मिल जाता है, यहाँ पर आपको ड्यूल सिम सपोर्ट मिल जाता है, 2G नेटवर्क भी चलता है जो की एक नेगेटिव चीज है। यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट मिल जाता है अप टू 32 GB तक का। यहाँ पर आपको मिल जाता है MP4 FM रेडियो। यहाँ पर आपको 1.3 MP का रेयर कैमरा विथ LED फ्लैश, और यहाँ पर 32 रीजनल लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे बात करें इसकी बैटरी की, तो 1200 mAh की बैटरी मिल रही है, और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि अगर आप सुपर बैटरी मोड ऑन कर देते हैं तो यहाँ आपको 5 दिन की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। तो और ठीक ठाक फीचर है। बात कर लेते हैं अब प्राइसिंग की, तो इसके लिए आपको पे करने होंगे ₹1900, और यहाँ पर ये आपको ऑफलाइन रिटेल स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पर एक और चीज है मनी बैक चैलेंज, जिसके तहत अगर आपको ये पसंद नहीं आता किसी भी कारण से, तो आप वापस से इसे दे सकते हैं और आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक और पॉजिटिव चीज है। तो बताइए क्या सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं कोई क्वालिटी फोन, तो क्या आप इसे परचेस करना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है नोकिया की तरफ से, और इन्होंने अनवील कर दिया है 106। जी हाँ, वही 2013 वाला क्वालिटी फोन अब ये फाइनली वापस आया है। और यहाँ पे बात करें इसके फीचर की, तो आपको मिलता है 1.8 इंच की स्क्रीन। यहाँ पे आपको मिलती है MTK 6261D CPU, 4 MB की स्टोरेज, 4 MB की रैम। यहाँ पर बात करें और चीजों की, तो 70 ग्राम का है, 800 mAh बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। यह माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये
दो कलर में देखने मिलेगा, लाइट ब्लू और लाइट ग्रे कलर में। यहाँ पे बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग बोला जा रहा है कि 1600 तक का ये बैठ सकता है और ये जल्दी इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो बताइए क्या सोचते हैं इस क्वालिटी फोन के बारे में, क्या आप इसे परचेस करना चाहेंगे, क्योंकि फ्यूचर इतना खास है नहीं, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली टेबलेट की, तो यार ये सैमसंग के फोल्डेबल टेबलेट से, जी हाँ एक और नया पेटेंट फोल्डेबल टेबलेट का आया है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह फोल्डेबल टेबलेट आपको मिलने वाला है। पहली फोटो में देखेंगे तो ये इजीली फोल्ड हो रहा है, फिर आप अगर अगली इमेज देखेंगे तो यहां पर आप इसे तीन बार फोल्ड कर सकते हैं, यानी तीन बार फोल्ड करके इसका यूटिलाइज ले सकेंगे। अब देखते हैं ओवरऑल किस प्रकार से ये फोल्डेबल टेबलेट हमारे को देखने मिलता है और कितना ये स्लिम होता है और कितने मजे आते हैं इस फोल्डेबल डिवाइस के अंदर। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस पेटेंट के बारे में, और क्या आप भी चाह रहे हैं कि ऐसा फोल्डेबल टेबलेट आए ताकि आप इजीली इसे कहीं पे भी ले जा सके, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है Asus Zenfone Max Pro M2 और M2 के लीक से। जी हाँ, Pro M2 और M2 का यहाँ लीक वापस से सामने आए हैं, कल भी हमने आपके साथ डिटेल शेयर की थी। अब यहाँ पे मालूम पड़े हैं इसके फ्यूचर। यहाँ बोला जा रहा है जो प्रो M2 वेरियंट है उसके अंदर आपको 6 इंच फुल HD+ डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, 4 GB रैम, 64 GB और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर 660 का प्रोसेसर बताया जा रहा है, यहाँ पर ट्रिपल कैम बताया जा रहा है रेयर साइड में, जो कि एक प्लस पॉइंट होने वाला है इस स्मार्टफोन का। यहां पे बात करें M2 जो कि लोअर वेरिएंट है, वहां पे भी आपको सेम डिस्प्ले देखने मिलती है, सेम 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलता है, सेम रैम देखने मिलती है, परंतु यहां इंटरनल स्टोरेज जो है वो 32 GB और 64 GB वाली मिलेगी। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ प्रोसेसर भी आपको लो मिल रहा है 636 वाला, और यहाँ पे ड्यूल कैमरा आपको देखने को मिलेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है और किस प्रकार से हमारे को ओवरऑल फीचर देखने को मिलते हैं। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एप्पल आईफोन एक्स से, और यहाँ पे हाल ही में एक यूजर ने बोला है कि इनका जो आईफोन एक्स है वो फट गया। यहाँ पे इनका कहना है कि सिर्फ ये चार्जिंग पे लगाया था और वहां पे इन्होंने हाल ही के जो अपडेट आए उसे वो अपडेट कर रहे थे और अचानक से ये गर्म हुआ और पीछे का ग्लास एकदम फट गया, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एप्पल ने कहा है कि हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी इसके बारे में हम आपको बता देंगे, तो वेट करते हैं देखते हैं क्या निकल के आता है और क्या कारण था इसका फटने का, वो सारी डिटेल आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगी। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ कंपनियों को और बेहतर काम करना चाहिए ताकि ऐसी दिक्कतें आने वाले टाइम में और लोगों को झेलनी ना पड़े, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेटेड की, तो यार ये गूगल जी सूट ट्विटर अकाउंट और इनका अकाउंट हैक हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आप अगर हमारा कल का डेली डोज देखा होगा तो वहां पर हमने बताया था कि टारगेट कंपनी जो कि सेकंड लार्जेस्ट यूएस की रिटेल स्टोरर है उनका अकाउंट हैक हुआ था। यहाँ पर हमारे को सेम वे में हैकिंग देखने मिली है जी सूट पर, और यहाँ पर 10,000 बिटकॉइन ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आप देखते हैं क्या एक्शन होता है ट्विटर की तरफ से और किस प्रकार से ये ओवरऑल अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर और बेहतर बनाती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या अब आपका सोशल मीडिया से थोड़ा सा विश्वास उठता जा रहा है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग के Exynos 9820 चिपसेट से। जी हाँ, ये फाइनली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे मालूम पड़ चुका है कितना गजब का इस बार ये रहने वाला है प्रोसेसर। यहाँ पे बात करें इसके फीचर की, तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ आपको मिलता है 2X कस्टम CPU, 2X कोर्टेक्स A75, 4X कोर्टेक्स A55 CPU। तो ओवरऑल पहले से बेहतर है और यहाँ पे आपको कस्टम CPU मिल रहा है जो कि एक लाजवाब चीज है। यहाँ पे बात करें GPU की, तो आपको मिलता है ARM Mali G76 MP12 जो कि पहले से इंप्रूव्ड है और इसकी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे बात करें NPU की, तो यहाँ आपको डेडिकेटेड MPU मिल रहा है जो कि एक और प्लस पॉइंट है और यहाँ जो AI परफॉर्मेंस होने वाली है बहुत गजब की रहेगी। यहाँ पर प्रोसेस आपको मिलता है 8nm का, यहाँ पर आपको मिलती है मॉडेम LTE-A208C है जिसके कारण यहाँ आपको गजब की इस बार परफॉर्मेंस मिलेगी इंटरनेट की और 2 GB तक आपको डाउन स्पीड देखने को मिलेगी, वहीं अपलोडिंग 316 MB तक देखने को मिलेगी। यहाँ पे बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 8K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं 4K 150 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें किस प्रकार से ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो यहाँ कंपनी का कहना है कि
सिंगल कोर के अंदर इन्होंने 20% का इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ पर आप पावर एफिशिएंसी के अंदर 40% का इंप्रूवमेंट देखेंगे। यहाँ पर जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है उसमें 15% का इंक्रीज आया है। यहाँ पर जो नया जीपीयू है वो 40% बेहतर है और यहाँ ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसे बूस्ट कर देगा। यहाँ पे 35% आपको पावर सेविंग भी देखने मिलेगी। तो ओवरऑल लोडेड है, गजब का आपको परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है और गारंटी है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 पहला स्मार्टफोन होगा जो इसके साथ आएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक ये लॉन्च होता है और कितना ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ बेहतर होता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस नए प्रोसेसर के बारे में, क्या आप चाहते हैं इसे जल्दी से जल्दी यूज करना अपने स्मार्टफोन में यानी सैमसंग के स्मार्टफोन में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की, तो यार ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अपने विंडोज 10 के अक्टूबर के सिक्योरिटी अपडेट को री रिलीज किया है। कारण यह था कि कुछ यूजर्स ने यहाँ बोला कि उनका डाटा लॉस हो गया जो अक्टूबर अपडेट आया था, अब इसको री रिलीज किया है और बोला जा रहा है इसके अंदर आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो जाइए सेटिंग में, अपडेट कीजिए और बताइए क्या इससे कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डिलीवरी की, तो यार ये व्हाट्सएप की तरफ से और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आने वाला एक नया अपडेट जिसके तहत आपको नई कॉन्टेक्ट यूआई मिल जाएगी यानी 8 कॉन्टेक्ट यूआई मिल जाएगी और क्यूआर कोड स्कैनर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करें 8 कॉन्टेक्ट यूआई की, तो आप जैसा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, इजिली आप एड कर सकते हैं। और वहीं बात करें क्यूआर कोड की, तो अगर आपको किसी का नंबर सेव करना है तो क्यूआर कोड को स्कैन करें और फटाक से ऑटोमेटिक आपके बुक में सेव हो जाएगा। तो ये दो नए लाजवाब फीचर आने वाले हैं, देखते हैं कब तक ये मार्केट में आते हैं और कब तक हम इसे यूटिलाइज कर पाते हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इन दो नए फीचर के बारे में, क्या ये पसंद आए कि नहीं आए, कमेंट करके जरूर से बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की, तो यार ये अमेरिका से, यहाँ पे अमेरिका में एक्सॉन ने लॉन्च कर दिया है नया स्मार्ट टीजर, ये है प्लस प्लस। जी हाँ, यहाँ पर बात करें टीजर की, तो मोस्टली सभी जानते हैं कि ये गन होती है जिसके अंदर आप इसको चलाते हैं तो करंट लगता है और बेहोश हो जाता है सामने वाला। तो इसके अंदर अब एक नया फीचर ये लेके आ गए कि अगर आप कनेक्ट करते हैं इस टीजर को अपने स्मार्टफोन से, तो यहाँ पे जैसे आप इसे चलाएंगे तो डायरेक्ट पुलिस के पास इस चीज का मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे कोई घटना घटी है, ये टीजर चलाया गया है और पुलिस यहाँ फटाक से एक्शन ले सकेगी। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आपको ये टीजर पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली और फाइनल डिलीवरी की, तो यार ये इसरो की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने एक और लाजवाब काम कर दिया है। इन्होंने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया है जो कि इंडिया का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका वेट है 3424 किलो का और यहाँ पे ये लेके गया है G-SAT-29 सैटेलाइट को, साथ ही साथ कुछ और पेलोड को। यहाँ पे बात कर लें G-SAT-29 की, तो ये ओवरऑल आपके कम्युनिकेशन इंटरनेट को बेहतर कर देगा खासकर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो आने वाले टाइम में आपको इन जगह पे बहुत अच्छा इंटरनेट देखने मिलेगा और इसरो कह भी चुकी है कि हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर और बढ़िया से बढ़िया नेट क्वालिटी की। तो वेट करते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, परंतु यहाँ इसरो ने एक और झंडा गाड़ा है और एक और गजब का काम किया है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या आपको ये न्यूज पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का आपको डेली डोज, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाना ना भूलिएगा, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। या फिर अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, या फिर आपको कोई सजेशन चाहिए तो वो भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त समन साड़ा, भारत माता की जय।